ईर्ष्या रखो ना, सास से ईर्ष्या मत रखना, ससुर से ईर्ष्या मत रखना, देवरानी जिठानी में ईर्ष्या मत रखना। क्या रखना इनसे ईर्ष्या? ईर्ष्या रखना है ना, तो मालूम है किससे रखो? महावीर भगवान से ईर्ष्या करो। ईर्ष्या करना है तो राम से करो, कृष्ण से करो, बुद्ध से करो, आचार्य शांति सागर से ईर्ष्या करो। और ईर्ष्या करना है तो महापुरुषों से करो, और ऐसी ईर्ष्या करो कि आज महावीर हैं तो मुझे भी ईर्ष्या होती है कि मैं भी एक दिन महावीर बनकर के दिखाऊंगा, जीवन तुम्हारा सफल हो जाए। क्या छोटे लोगों से? अरे छोटे लोग तो ईर्ष्या के भी पात्र नहीं है। बड़ों से ईर्ष्या करो, आचार्य विद्यासागर बनने की ईर्ष्या करो, आचार्य विद्यानंद बनने की ईर्ष्या करो, आचार्य पुष्पदंत बनने की ईर्ष्या करो, ईर्ष्या करो पुलक सागर बनने की ईर्ष्या करो कि हम भी अपने जीवन में ऐसे बन करके अपना नाम करेंगे, अपना रोशन। ऐसी ईर्ष्याएं करिए, ये मत करिए कि ये लोग आगे क्यों बढ़ गए, नहीं, हम भी ऐसे बन करके अच्छे लोगों की ईर्ष्या करो। हल्के लोगों की क्या करना है, मन को खराब करना अपने। बुढ़िया ने क्या मांग लिया, दूसरों के लिए ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, विचारों के इतने दरिद्र मत बनो मेरे भाई। धन दौलत से दरिद्र बनो तो बन जाओ, कोई बात नहीं है। अरे धन के गरीब बनो तो बन जाओ, पैसों के गरीब बनो तो बन जाओ, मकान से गरीब बनो तो बन जाओ, लेकिन कभी भी जीवन में विचारों के गरीब मत बनो। विचारों से दरिद्रता अपने मन में, मतलब विचार इतने पवित्र रखो, विचार इतने महान रखो। ध्यान रखना, यदि विचार महान होते हैं और कोई आदमी विचारों का दरिद्र नहीं होता है तो बड़े बड़े धनवान उसके विचार सुनने उसके चरणों में आकर के बैठ जाया कर। धन के गरीब बनो, भावनाओं के गरीब बनो।